रोशनी वारिया। आई एम शाजिल खान, कीप वॉचिंग टेली रिपोर्टर। फ्रेंड ही नहीं है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है, जान बसी है मेरी इसमें, सिर्फ शो में ही नहीं रियलिटी में भी। शाजिल और बेदाने, तारा और रोशनी, हम सबकी अलग ही दोस्ती है। आई गेस सेट पे जितना शाजिल बेदाने ने तारा और रोशनी को सपोर्ट करा उतना किसी ने भी नहीं करा, मतलब वैसे इन जनरल छोड़ के, बट या वेरी स्वीट। आपको इंट्रोड्यूस मैं ओए फेमस हो गया आपका रैप ना, ये रैपर ही बनने वाला है पक्का इसके बाद। दम रैप एक ब्रांड न्यू कहानी मैं तेरे को बता रहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ का खुलता हूँ पिटारा। टैलेंट भरपूर, सबसे हटके देखो लड़की है, दिखती सुपर क्यूट, पैरा दो में कड़की है, पढ़ाई में भी इसके देखो बजे रहते बारह, अरे पप्पा ही भरोसा उसका, पप्पा ही सहारा। आओ आगे अब इसकी फैमिली से मिलवाता हूँ, घर वाले क्या सोचे अगले हिस्से में बताता हूँ। तो आप ये रैप में सब समझ ही गए होंगे कि क्या है ये। मैंने तो गाया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो प्रोमो के टाइम पे सुना है ये। मैंने सरप्राइज दिया था, मतलब मैं जिस दिन रिकॉर्ड करने गया था उस दिन भी नहीं पता था इसको कि मैं रैप करने वाला हूँ। तो जब मैं रिकॉर्ड करके आया तो इतना सरप्राइज थी कि मैंने खुद ने रिकॉर्ड किया, इसको पता भी नहीं था कि वो मेरी वॉइस है। मैं बहुत खुश थी बिकॉज मुझे हमेशा से चाहिए था कि बेदाने शाजिल माई बेस्ट फ्रेंड मेरी लाइफ पोर्ट्रे करे, तो इसने करा। हाँ मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मतलब ही इज सो लकी कि रोशनी वालिया तारा माने कि लाइफ जिंदगी दिखा रहा है सबको, और क्या चाहिए लाइफ में, जिंदगी धन्य हो गई अब। जब रोशनी को मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग में देखा था तो मेरे को इतनी क्यूट सी छोटी सी लड़की लगी थी, मैंने मतलब बहुत क्यूट सी स्वीट सी लड़की लगी थी, और ये वैसी है और तारा भी वैसी है, तो मैं बहुत खुश था। हम लोग ने बहुत एंजॉय किया अभी सातारा में जहाँ पे भी शूट किया है, बहुत मजा आता है। अच्छा सबको लगता है कि मैं ऑल द टाइम रोशनी ग्लैम लुक में रहती है, ऐसा है? और हाँ इनको नहीं इनको एक गलत फहमी है कि ये बॉसी है, मतलब ये डोमिनेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इतनी स्वीट है। आपको पता नहीं इतनी स्वीट है, ये देखो कितनी स्वीट है। ये कौन है गधा बेवकूफ लड़का? ऐसा ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। शाजिल हैज़ बीन एन अमेजिंग अमेजिंग फनी एंटरटेनिंग को एक्टर। मुझे अभी भी याद है जब मैं राजवाड़ा चौक में शूट कर रही थी, ये मेरे लिए नूडल्स लेकर आता था, तब से हमारी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई जब हम एक दूसरे के लिए ऐसे नूडल्स लेकर आते थे और हम ऐसे खाते थे साथ में बैठ के, तो तब से तो पता ही था कि दोस्ती पक्की है अभी तो। वेरी 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 स्वीट, मुझे शाजिल से बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार है। थैंक यू। लोगों की बुराई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। आई एम जस्ट जोकिंग। बट हाँ अगर मुझे कोई पसंद नहीं तो शाजिल को भी वो इंसान नहीं पसंद है, और अगर शाजिल को कोई इंसान नहीं पसंद तो मुझे भी नहीं पसंद है। वो प्रॉपर बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती होती है ना, वैसा हमारा बहुत नहीं, नहीं ऐसा ऐसा अभी तक नहीं, अभी तक नहीं है, अभी ढूंढना पड़ेगा। ये ऑफ स्क्रीन मोबाइल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती है और लोगों को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मैं एक दिन ना ऐसी मस्ती में शाजिल को इग्नोर कर रही थी, सिर्फ मस्ती में, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया था, फिर मैं सच में सीरियस भी हो गई थी, ठीक है कि मुझे बात करनी नहीं। ये मेरे लिए ढूंढ ढूंढ के इतनी सारी चॉकलेट्स लेकर आया था, मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा था, रोने वाला था कि रोशनी तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, मतलब कम से कम 8 घंटे हो गए थे, मतलब मेरे को इग्नोर, मतलब मैं हुई नहीं, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। बहुत बहुत ज़्यादा हर इंसान की लाइफ में कोई ऐसा दोस्त होता है, वैसे ही मेरी लाइफ में बेदाने हैं, और मुझे बहुत टाइम से चाहिए था कि हम दिखा सकें कि ज़रूरी नहीं है एक लड़का लड़की दोस्त से आ गई हूँ। मतलब जो लोग कहते हैं ना लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेदाने हकीकत में भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इससे सब कुछ शेयर करती हूँ, मेरी हर लाइफ प्रॉब्लम बेदाने से शेयर करती हूँ, शाजिल से शेयर करती हूँ, तो वैसा है। और आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा होगा, तो आप दोस्त सब साथ में बैठ के देख सकते हो। डू वॉच तारा फ्रॉम सातारा 19 अगस्त से 10:30 PM मंडे टू थर्सडे ओनली ऑन सोनी टीवी। प्लीज 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 देखिएगा, मैंने बहुत मेहनत करी है, सबने बहुत मेहनत करी है, पर मैंने सबसे ज्यादा करी है। बहुत डांस किया है, बहुत मेहनत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तारा फ्रॉम सातारा। मुझे ना स्कूल और पढ़ाई में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
भी नहीं। बेस्ट 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 अपने दोस्त की बेस्ट फ्रेंड हूँ, आज ही की बेस्ट होती हूँ और एमके की बेस्ट फैन हूँ और गणपति पापा की सबसे ज्यादा फेवरेट हूँ मैं। अभी अपने बारे में तो बता ही दिया मैंने, चलिए आपको अपनी फैमिली से मिलवा दूंगा। पर एक सेकेंड प्लीज प्लीज प्लीज, वो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने ना अभी तक बाबा को बताया नहीं कि मेरा रिजल्ट आ गया है और उनको पता नहीं है, तो आप भी नहीं बताएंगे ना बाबा? मैं आप ही के बारे में बात कर रही थी। ये है मेरे बाबा, बेस्ट कथक डांसर और बेस्ट कथक टीचर। मुझे ना डांस नंबर वन बहुत ही ज्यादा पसंद है, इनको बिल्कुल भी नहीं। आई आई आओ ना इधर। ये है मेरी प्यारी आई, मेरे पूरे घर को संभालती है और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मेरी हर गलती माफ कर देती है। और अब मैं आपको मिलाती हूँ मेरे बाबा की फेवरेट बेटी से, राधिका ताई, मेरी बड़ी बहन। क्या है ना, ताई को ना 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही ज्यादा 6 मार्क्स आए थे, तो इनको बाबा ने फोन दिला दिया और जब भी मैं फोन मांगती हूँ तो ये इतना नाटक करती है कि मन करता है इसका फोन गाय के गोबर में डाल दूँ। आजी आजी ये देखो है ना, बिल्कुल झकास स्कूल टाइप्स आजी, बेस्ट आजी। अरे आपके नाम मेरी कदर ही कौन करता है। और हमारे साथ ना काका काकी और रोहन का छोटा बेटा भी रहता है, किधर है बोलो? तो ये है वरुण काका, बहुत ही क्यूट है लेकिन बहुत ही ज्यादा सवाल करते हैं, मतलब करते ही रहते हैं, मतलब बंद ही नहीं होते। अब तो बाबा ने भी जवाब देना बंद कर दिया है। और काकी तो बिल्कुल क्या कहते हैं उल्टा, वो ऑपोजिट बिल्कुल ही अलग है, मतलब जो दिल में आया कह देती हैं, किसी से फर्क नहीं पड़ता इनको, बट दिल की बहुत ज्यादा साफ है। और रोहित क्या बहुत पढ़ाकू है, तो मुझे हर समय करेक्ट वरेक्ट करता रहता है, पर बहुत ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा करेगा ना तो एक पटका दूंगी चुप बैठ उधर। पर अभी मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड बेदाने, ये है बेदाने मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो मेरे बारे में मेरे से ज्यादा ही सोचता है, जिसको लगता है मैं काफी कुछ कर सकती हूँ और मेरा साथ कोई देना दे बेदाने जरूर देता है। अभी आपको मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ तो पता चल ही